शोर कोर्ट में वन डिश पर अमल दरामद करवाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास मुतहर्रिक। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास का मुख्तलिफ मार्केज और मैरिज हॉल्स का दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास ने शादियों पर बनने वाले खानों को चेक किया। हम शादियों के तमाम इवेंट्स को चेक करते हैं, मैरिज हॉल्स के साथ साथ टेंट में होने वाली शादियों को भी चेक करेंगे। महकमा रेवेन्यू का फील्ड स्टाफ भी जाकर शादियों को चेक करेगा, असिस्टेंट कमिश्नर फजल अब्बास। तरंडा मोहम्मद पना थाना चन्नी गोड के इलाका चक नंबर 155 NP में खातून कत्ल। भाई ने तैश में आकर बहन को कत्ल कर दिया। वाकया घरेलू तनाजे पर पेश आया। खातून की नाश रूरल हेल्थ सेंटर चन्नी गोड मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने तफ्तीश और तहकीक का आगाज कर दिया। फैसलाबाद चक जुमरा में ट्रेन हादसा। रेस्क्यू जराए के मुताबिक हादसे के नतीजे में जुमरा शहर का रिहायशी 10 साल फरुख नामी बच्चा जहाँ भाग। फरुख अपने वालिद के हमरा मंडी से सब्जी लेने आया था। बदर एक्सप्रेस फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने नाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। रिनाला खुर्द में पुलिस थाना सिटी रिनाला खुर्द की बड़ी कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 3 कारिंदे गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी की गई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद अफजाल, मोहम्मद शाहिद कौम खरल के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा बजुर्म 381A-3 दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी। आम इंकशाफात मुतवक्के। शकरगढ़ में रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी दानियाल अजीज ने ढडोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने हमेशा अपोजिशन और मुखालिफ पार्टी को इज्जत की जुबान से मुखातब किया। खातून को मुखातब करना साबित करता है कि उनकी तहजीब कितनी गिरी हुई है। वजीर अला पंजाब के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की वाजे अक्सरियत है, हम अपना लोहा मनवाएंगे। दानियाल अजीज ने ढडोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इदारों पर हमला करना PTI का वतेरा बन चुका है। PTI ने सबसे पहले रेफरेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर वार किया। इमरान खान ने बाद में रेफरेंस गलती को तस्लीम किया। इलेक्शन कमीशन में 7 साल से फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी आना है। फॉरेन फंडिंग केस में उनकी गैर मुल्की लॉबीज ने फंडिंग की, असल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की शक्ल वो खुद इमरान खान है। फॉरेन फंडिंग केस की हकीकत तो तस्लीम करने के बजाय इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रखे हैं और इनके खिलाफ एहतजाज कर रखे हैं। चूनिया कोट उमर वट्टू नामालूम शख्स की फायरिंग से शहरी जाँबाग। शमसाबाद का रिहायशी मोहम्मद अरशद 2 खातिन के हमरा चूनिया रहा था कि नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। मोहम्मद अरशद को 5 फायर लगे जो मौके पर ही जाँबाग हो गया, जबकि दोनों खातिन मौजजाना तौर पर महफूज रही। लाश अस्पताल मुंतकिल। थाना सिटी पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुँच कर कार्रवाई का आगाज कर दिया।